सो ये वीडियो में हम लोग PCR पुट कॉल रेशियो समझेंगे, किस तरीके से पुट कॉल रेशियो यूज होता है और कैसे आपको डेटा देखना है NSE वेबसाइट से। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है निफ्टी, यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जिस पर्टिकुलर वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट का PCR कैलकुलेट करना है तो वो पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ 1st December वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट का। लास्ट जो कॉलम है OI कॉलम, कॉल साइड में एंड पुट साइड में। OI कॉलम का जो लास्ट टोटल है वहां पर आपको जाना है एंड वहां पर आपको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर आपको पुट का टोटल OI दिख रहा होगा 13,55,000। यहाँ पर आपको कॉल का टोटल ओपन ट्रस्ट दिख रहा होगा। तो पुट का जो टोटल ओपन ट्रस्ट है उसको डिवाइड करना है कॉल के टोटल ओपन ट्रस्ट से, तो आपको एक वैल्यू मिलेगा। अब वो वैल्यू होता है पुट कॉल रेशियो। PCR का वैल्यू अगर 1 के आसपास आ रहा है तो इसका मतलब न्यूट्रल मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, कोई ज्यादा एग्रेसिव पोजीशंस फॉर्म नहीं हुई है। अगर PCR का वैल्यू 1.5 के ऊपर जा रहा है तो फिर ओवरबॉट है, पॉसिबल है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन अगर 1 के ऊपर जा रहा है इसका मतलब बाइंग सिग्नल है, मार्केट ऊपर जा सकता है। PCR का वैल्यू अगर 1 के नीचे है तो इसको सेल सिग्नल माना जाता है, यानी कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, कॉल सेलिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए पॉसिबल है मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन वही अगर PCR 0.50 के नीचे जा रहा है ओवरसोल्ड माना जाता है एंड पॉसिबल है यहाँ से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। तो PCR का ओवरऑल ये रेंज होता है एंड इस तरीके से PCR को आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना।